नमस्कार मैं हूं शशि आये झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं पाँच अक्टूबर तक नहीं खुलेंगे स्कूल दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पाँच अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने का सर्कुलर जारी किया है चूँकि केंद्र सरकार ने अनलॉक फोर में इक्कीस सितंबर से स्कूल को आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दे दी थी इसके बावजूद अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर बहुत दुविधा में थे और इस बात को लेकर अटकने लगाई जा रही थी की क्या स्कूल इक्कीस ऐसी खुलेंगे या नहीं बता दें कि दिल्ली सरकार ने सर्कुलर जारी कर अपने राज्य में स्कूल को पाँच अक्टूबर तक बंद रखने की बात कही है झारखंड मौसम विभाग के अनुसार सिमडेगा पश्चिमी सिंहभूम किला खसवा पूर्वी सिंहभूम खूंटी रांची गुमला रामगढ़ बोकारो और हजारीबाग में बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में मध्य दर्ज की तेज वर्षा हो सकती है साथ ही साथ कई स्थानों पर मेघ गरज तथा वज्रपात की भी संभावना जताई गई है आपको बता दें कि पिछले 24 घंटा से ही झारखंड में वर्षा जारी है रात भर राज्य के लगभग सभी जिलों में गरज के साथ वर्षा हुई है झारखंड में इक्कीस सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल झारखंड में इक्कीस सितंबर से स्कूल नहीं खुलेंगे अनलॉक फोर में इक्कीस सितंबर से नौ से बारहवीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है हालांकि झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि अभी छात्रों को स्कूल बुलाना ठीक नहीं है बता दें कि कब से स्कूल खोले जाएं इसको लेकर अभी चर्चा जारी है वैसे अधिकारियों का कहना है कि तीस सितंबर के बाद ही छात्र स्कूल जा सकेंगे लेकिन अंतिम निर्णय सरकार को ही करना है झारखंड में चौदह नए संक्रमितों की पुष्टि हुई जो रांची से चार सौ बानवे पूर्वी सिंहभूम तीन सौ चौबीस धनबाद बासठ रामगढ़ बयालीस गिरिडीह ग्यारह हजारीबाग अड़तीस पश्चिमी सिंहभूम एक सौ सात कोडारमा इक्कीस सरायकेला खरसावा इकतालीस पलामू चौंसठ देवघर उनतीस गढ़वा सोलह सिमडेगा सत्रह गुमला सत्रह लातेहार छब्बीस खूंटी पंद्रह साहेबगंज चौवालीस गोडा पाँच चतरा चार लोहरदागा चालीस दुमका दस जामतरावन पाकुड़ से दो मिले हैं झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या अड़सठ हज़ार पाँच सौ अठहत्तर है, है जबकि चौवन हज़ार बावन लोग स्वस्थ हुए और छः सौ दो की मृत्यु हो गई भारत में कुल संक्रमितों की संख्या तिरपन लाख पाँच हज़ार चार सौ पचहत्तर है जबकि बयालीस लाख पाँच हज़ार दो सौ एक लोग स्वस्थ हुए और पचासी हजार सौ पच्चीस की मृत्यु हो गई शुक्रवार को बारह की मौत हुई है जो रांची से एक पूर्वी सिंहभूम से चार धनबाद से तीन पश्चिमी सिंहभूम से एक पलामू से एक चतरा से एक जामतरा से एक हाँ। है शुक्रवार को बारह सौ पैंतालीस मरीज स्वस्थ हुए हैं जो इस प्रकार है रांची तीन सौ चालीस पूर्वी सिंहभूम इक्कीस जामतरा चार पाकुड़ चौदह खोटी सोलह सिमडेगा बत्तीस चतरा बाईस गोड्डा इक्कीस लोहरदागा अठारह दुमका एक गढ़वा तिरपन सरायकिला सैंतीस गिरिडीह बाईस पलामू बाईस साहेबगंज पचपन देवघर तीस रामगढ़ एक सौ नवासी कोडारमा सोलह बोकारो सत्रह हजारीबाग चौवन पश्चिमी सिंहभूम बयासी धनबाद एक सौ सात रांची तीन सौ चालीस पूर्वी सिंहभूम बहत्तर स्वस्थ हुए हैं झारखंड में बेरोजगारी बड़ी समस्या और चुनौती स्पीकर झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन स्पीकर रविन्द्र महतो ने अपने भाषण में नोवल कोरोना वायरस महामारी और राज्य में बेरोजगारी का जिक्र किया बेरोजगारी को बड़ी समस्या और चुनौती करार देते हुए कहा कि प्रलय के बाद नई सृष्टि के निर्माण का वक्त है उन्होंने कहा कि हमें समवेत होना होगा परस्पर सहकार के साथ आगे बढ़ना होगा कोरोना महामारी के कारण बच्चों के शिक्षा बाधित होने पर चिंता जताई और कहा कि उसकी भरपाई करने की व्यवस्था करनी होगी सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठी चार्ज के साथ छोड़े गए आंसू गैस झारखंड में शुक्रवार को सहायक पुलिस कर्मियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज के साथ आंसू गैस छोड़े इसमें दर्जनों सहायक पुलिस कर्मी घायल हुए इसके साथ ही एक महिला सहायक पुलिस कर्मी की बच्ची भी गुम हो गई है बता दें कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा क्योंकि सहायक जवानों ने वरीय पुलिस अधिकारियों की बात नहीं सुनी थी विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार तक स्थगित नहीं लाया गया लैंड म्यूटेशन बिल कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच झारखंड विधानसभा का तीन दिवसीय मानसून सत्र शुरू हुआ सत्र के पहले दिन सरकार ने लैंड म्यूटेशन बिल नहीं लाया उधर बिजली की बदहाल के खिलाफ हजारीबाग के भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने विरोध प्रदर्शन किया सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है बता दें कि 19 और 20 सितंबर को अवकाश है इसके बाद 21 और 22 सितंबर को विधानसभा का सत्र चलेगा इस तरह तीन दिनों का मानसून सत्र है जमशेदपुर में बीस लाख का सरकारी अनाज जब्त जमशेदपुर जब जिला प्रशासन ने साक्षी और गोलमुरी में छापामारी की इस दौरान 1100 सौ क्विंटल सरकारी अनाज जब्त किया गया बताया जा रहा है कि जब्त अनाज की लागत करीब 20 लाख रुपए है इस दौरान दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है बता दें कि जिला प्रशासन को छापामारी के दौरान सिलाई करने की तीन मशीन भी मिली है जयपाल सिंह स्टेडियम का नाम बदलने की मांग रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी और खूटी के बिरसा कॉलेज का नाम झारखंड के शहीदों के नाम रखने की मांग उठने लगी है साथ ही साथ धर्म कोड को लागू करने की भी मांग की गई बता दें कि केंद्रीय सरना समिति की ओर से केंद्रीय पूजा स्थल सरना टोली हत्मा में आयोजित बैठक में इस पर निर्णय लिया गया धनबाद कतरासगढ़ चंद्रपुरा रेल लाइन पर फिर से ट्रेनें नहीं चलेंगी झारखंड हाई कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद खंडपीठ ने रेल के जवाब को सही माना और याचिका खारिज कर दी बता दें कि रेलवे ने हाईकोर्ट के बताया है कि रेलवे ट्रैक के नीचे भूमिगत खदानों में आग लगी है इसलिए धनबाद कतरा चंद्रपुरा रेल लाइन को खतरा है ट्रेनें चलाने से कभी भी दुर्घटना हो सकती है रामगढ़ नगर परिषद में सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म नगर परिषद रामगढ़ में 11 सितंबर से जारी सफाई कर्मियों की हड़ताल शुक्रवार को समाप्त हो गई है बता दें कि नगर परिषद के कर्मचारियों की, की सभी मांगें आयोजित विशेष बोर्ड बैठक में मान ली गई विशेष बोर्ड बैठक में हड़ताल पर गए कर्मियों ने प्रतिनिधिमंडल को भी आमंत्रित किया गया था इसमें उन्हें बताया गया कि तीन सूत्रीय मांग मान ली गई है रिम्स अव्यवस्था पर हाईकोर्ट नाराज झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स में डॉक्टर नर्स सहित अन्य पद रिक्त होने पर कड़ी नाराजगी जताई है अदालत ने पूछा है कि आधे से ज्यादा पद खाली है तो कोरोना काल में रिम्स में कैसे काम हो रहा है कोर्ट ने कहा कि रिम्स को सालाना सौ करोड़ मिलता है इसका क्या होता है कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं फंड का ऑडिट करा दिया जाए अदालत ने एक अक्टूबर को स्वास्थ्य सचिव और रिम्स के प्रभारी निदेशक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हाजिर होने का आदेश दिया है झारखंड विधानसभा में पच्चीस करोड़ का अनुपूरक बजट पेश झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा में पच्चीस करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया इसके अलावा विधानसभा में झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल नहीं लाया जा सका बता दें कि विधानसभा पटल पर बिल को रखा जाना था लेकिन विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के विरोध को देखते हुए नहीं लाया गया विधेयक रघुवर कार्यकाल में सहायक पुलिसकर्मियों को अस्थायी कर देना चाहिए था कांग्रेस कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा सहायक पुलिसकर्मियों की सीधी नियुक्ति के संबंध में उठाए गए सवाल पर कहा कि सारी व्यवस्था को चौपट और तहस नहस करने के बाद अब वे बिना सिर पैर का सलाह देते फिर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि रघुवर दास को अपने कार्यकाल में सहायक पुलिसकर्मियों को स्थायी कर देना चाहिए था आईपीएल सट्टेबाजी रोकने के लिए साइबर सेल को जिम्मा उन्नीस सितंबर से आईपीएल का मैच शुरू होने वाला है इस मैच में लाखों रुपए का सट्टा भी लगने वाले हैं सट्टेबाजी को गिरफ्तार करने के लिए एसपी ने साइबर सेल को जिम्मेदारी सौंपी है बता दें कि शुक्रवार को एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सट्टेबाजी ऑनलाइन सट्टा लगाते हैं साथ ही मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाखों रुपये का जुआ का खेल खेलते हैं गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषाहार उपलब्ध कराए रामगढ़ डीसी रामगढ़ में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन एक्शन प्लान की बैठक शुक्रवार को डीसी संदीप सिंह ने की मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं किशोरियों और बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराना ही हमारा लक्ष्य है उन्होंने कहा कि समाज को कुपोषण से बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन एक्शन प्लान बनाया गया है सरकार के जनविरोधी निर्णय पर सड़क से सदन तक होगा विरोध बीजेपी झारखण्ड सरकार के जन विरोधी निर्णय के खिलाफ भाजपा सड़क से सदन तक विरोध करेगी यह निर्णय भाजपा के विधायक दल की बैठक में शुक्रवार को हुई राजमहल के भाजपा विधायक अनंत कुमार ओझा ने कहा कि सरकार जन विरोधियों लैंड म्यूटेशन बिल लाने को अतुल है जल जंगल और जमीन लूटने वाले अधिकारियों को खुली छूट देने का निर्णय सरकार ने लिया है एनटीपीसी अध्यक्ष मुख्यमंत्री से की मुलाकात एनटीपीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह व उनके साथ अन्य अधिकारियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और, और अन्य वरीय पदाधिकारियों से मुलाकात की इस दौरान विभिन्न भी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया वार्ता के दौरान एनटीपीसी के अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक ने पकरी बरवाडी परियोजना से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की इस क्षेत्र में विगत दिनों से रैतों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को ध्यान में रखकर उनकी विभिन्न नया संगत मांगों के संबंध में सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से यह भी आग्रह किया कि इस क्षेत्र में पूर्व से जितनी मात्रा में कोयला का उत्खनन हुआ है उसके निर्वाह निकासी के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किया जाए दुमका में सत्रह ओवरलोड ट्रक जब्त ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक बार फिर जिला प्रशासन कार्रवाई प्रारंभ की है डीएसपी अमिनेश ने थानी के नेतृत्व में हंसडीहा थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर पांच बालू लदे और सात चिप्स लदे ट्रकों को जब्त किया गया थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा ने शुक्रवार को बताया कि हंसडीहा दुमका हाईवे पर बिहार की ओर जा रही बालू और गेटी लदे बारह ओवरलोड ट्रकों को रोका गया भाजपा का सरजू राय पर हमला विशेष व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं सरजू राय भाजपा ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरू राय पर हमला बोला है इस बार भाजपा ने सरू राय पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं शुक्रवार को साक्षी स्थित जिला कार्यालय में भाजपा जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता अभय सिंह ने जमशेदपुर पूर्वी विधायक से सीधे सवाल जवाब मांगा है सरकारी नौकरी में एक पद के लिए दो से अधिक आवेदन एम यूनिवर्सिटी रांची के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रमन कुमार झा ने कहा कि आज किसी भी सरकारी नौकरी में एक पद के लिए 200 गुना से अधिक युवा आवेदन करते हैं इतनी बड़ी संख्या पूरी भर्ती प्रक्रिया को बहुत जटिल बनाती है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना आने वाले दिनों में भर्ती प्रक्रिया को सरल सुगम और कम खर्चीला बनाने में सरकारी मशीनरी की सहायता करेगी दीपक प्रकाश ने सहायक पुलिस कर्मियों पर हुई लाठीचार्ज पर निंदा किया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिसकर्मियों पर हुई लाठीचारी एवं दमनकारी कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है प्रकाश ने शुक्रवार को कहा कि यह सरकार संकट में भी गरीबों का निवाला छीन रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने ऐसी निरंकुश सरकार पहले कभी नहीं देखी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन का सबको अधिकार है बातचीत से सभी समस्याओं का समाधान संभव है मास्क जागरूकता अभियान शुरू कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रांची जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार को जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई उपायुक्त छवि रंजन ने रांची समानालय से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता अभियान की शुरू की प्रधानाध्यापकों के खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया राज्य के मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापकों के खाली पदों का ब्यौरा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जिला से मांगा है इसके साथ साथ ग्रेड चार के शिक्ष को जिन्हें प्रोन्नति मिलनी है या फिर जिनकी सीधी नियुक्ति होनी है उनकी भी जानकारी मांगी गई है बता दें कि जिलों के दो दिनों में इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजनी होगी धन्यवाद यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का आइकन दबाइए साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर शेयर करें आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं थैंक यू